प्लान करा बर्गर खाने का, बचपन में खाया था कोकन बर्गर अजीजाबाद के अंदर, बड़ा मशहूर था, तो सोचा क्यों ना आज फिर चलते हैं अजीजाबाद बर्गर खाने के लिए। लेकिन मुझे याद है जब मैंने बचपन में बर्गर खाया था तो उनकी कुछ टाइमिंग का इशू था, क्योंकि वो हर वक्त नहीं मिलते थे, बीच के अंदर 2 घंटे या 3 घंटे के लिए खुलते थे। तो रास्ते में था तो मेरे जहन में यही डगमगा रहा था कि पता नहीं इस वक्त खुला हुआ या बंद, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं। खैर मुद्दे पे आता हूँ, मैं यहाँ पहुंचा, पता चला कि कोकन बर्गर बंद है और वो खुलेगा इस बार तकरीबन बकरीद के बाद से बंद है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना होने वाला है। उसके बाद हमने आगे पीछे पता करा, भाई कितनी दूर से आए अजीजाबाद के अंदर, आप बताएं कि किसका बर्गर खाएं। तो लोगों ने कहा कि उसके बराबर में थोड़ा आगे जाके आइडियल बर्गर है। जब मैं आइडियल बर्गर पहुंचा तो वहां भी प्रैंक हो गया, पता चला वो भी बंद है। अब इतनी दूर से आए बर्गर तो खाना था, एक रोड के ऊपर लगाया हुआ है, बंदे से पूछा उसने कहा इसके भी अच्छा ये है बर्गर पॉइंट, तो इसका खाते हैं बर्गर पॉइंट वाले का बर्गर, फिर आपको रिव्यू देते हैं कैसा बर्गर। उम्मीद है अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा बहुत लोग तो खड़े हुए हैं और वो बर्गर ले रहे हैं, लेकिन खा के फिर आपको बताएंगे कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं इनके बर्गर। कल का रेट बढ़ गया, 215 का मिल रहा था, अभी 250 रुपया हो गया। अच्छा, ये दाल वाला बर्गर है, हमें तो बताया गया ये चिकन है। चिकन वाला भी है ना, चिकन की जगह दाल यूज हो रही है। वालेकुम सलाम भाई, मोहम्मद आसिम। कैसे हैं आप? खैरियत से आसिम भाई? अच्छा जी आसिम भाई, मुझे बताएगा आपके पास कौन कौन से बर्गर होते हैं? सर मेरे पास शामी कबाब बर्गर है। अच्छा, और बोटी बर्गर है, चिकन वाला। मतलब दो ऑप्शन है आपके पास। चले फिर आप हमारे दोनों बर्गर ट्राई कराएं, फिर हम खा के बताएंगे कौन सा अच्छा बर्गर तैयार कर। ठीक है, ये सर शामी वाला है। सही, ये दाल की है। अच्छा, दाल और शामी मिक्स है। दाल और की। अच्छा, ये मुझे आपने के स्टिक यहाँ से उठाई और ये डाली, दिखाइएगा स्टिक कैसे भी पहले डालने से पहले। ये चिकन। अच्छा, जबरदस्त। ये मैंने निकाल ली डंडी, ये अब मैं इसको काट रहा हूँ। क्या बात, काटने के बाद मैं इसको गर्म करूँगा। तो चिकन का गड़गड़ बना दिया आपने। ये चिकन बड़ा भी है, बर्गर होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज्बात ही होगा आप कैमरा देख के। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, ये चटनी है आपकी, ये दही वाली चटनी है? ये चटनी नहीं है, रहता है। रहता है, चटनी, तो चटनी नहीं डालते उसके अंदर, चटनी नहीं यूज करते आप? नहीं सर, हम दही यूज करते। ये बर्गर है, बन कबाब है? ये सर बन कबाब है, बन कबाब होता है, जबरदस्त। अच्छा, ये चिकन का है और ये बीफ है। अंडा नहीं यूज करते इसमें आप? अंडा भी यूज, जैसा आपका दिल करे। नहीं, वैसे आप बताएं कौन सा अच्छा होता है, टेस्ट किसका अच्छा होता है? सर हमारी तरफ से दोनों अच्छे होते हैं। ज्यादा कौन सा बिकता है? आपको अंडे वाला बना देता हूँ। ठीक है, बना दूँ जी जी, जो अच्छा होता है वो। जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल। अच्छा माशाल्लाह, 15 साल से इसी पॉइंट पे होता है जी। क्या बात है भाई, आपके हाथ से तो अंदाजा हो रहा है कि अच्छा है, और लोग भी आगे पीछे खड़े हुए, लोग आ रहे हैं लेने के लिए, इससे लग रहा है कि बर्गर अच्छा होता है। ये ऐसा तो नहीं है पीछे दो बर्गर वाले जो मशहूर हैं ये बंद है, इसकी वजह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास आ रहे हैं? भाई ये मेरे मालिक को पता होगा, मुझे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं काम तो करता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मालिक वो है जो सबका है। बेशक बेशक, ऊपर वाला। हाँ, क्या बात करी, आप तो जीत गए भाई, आपको तो 10 मिले 12 मिलेंगे। बहुत आला बात कर दी, आपको अंदाजा ही नहीं आपने क्या बोल दिया। प्लेट में खाएंगे ना, यहाँ खा के फिर उम्मत को बताएंगे कैसा है क्या था। ये जगह इनके पास मौजूद है जिसके अंदर पीछे चाय वाला है और ये बर्गर वाला, आप दोनों की जगह मिलके चलती है, दोनों बैठ सकते हैं। आपका क्या नाम है? आप बड़े हंस रहे हैं। मोहम्मद सैफुल्ला। सैफुल्ला ता पख्तून दे। फिर कौन है आप, कहाँ से? बलोच, पंजाबी। बलोच, बलोच है? आधे बलोच आधे पंजाबी तो नहीं है? नहीं नहीं, बलोच है, जिला रहीमगढ़ खान। कौन सा बर्गर है ये तो बता के जाओ। ये अंडे वाला, ये चिकपुटी वाला। अंडे वाला, अंडे वाले की ट्राई करते हैं। पहले बाइट में मुझे अंडे का और था, थोड़ा दाल का, दाल बन था, ऐसा लग रहा है इसमें दाल डालने के लिए एक और निकाल लेंगे। बचा बढ़िया ठीक है, नॉट बैड। उसमें इन्होंने सीमे के साथ दाल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करा हुआ, उसमें अंदर दाल का जायका। अभी ये चिकन स्टेक वाला था, इसको ट्राई करते हैं। एक और बाइट लेता हूँ मैं आपको।
बहुत अच्छा नहीं, चिकन का मेरे अच्छा है उसके मुकाबले। अच्छा एक बात जो है ना सर, जो बन कबाब होता है ना, खैर बर्गर के नाम पे तो झूठ है, बन कबाब जो है ना वो ये रायते वाली चटनी में नहीं होता, वो जो स्पाइसी चटनी होती है ना लाल मिर्च या काली मिर्च के उसमें उसको बनता है, वो वाली जो चटनी होती है ना वो बेस्ट होती है, लेकिन ये एवरेज है, नॉट बैड। बताओ बताओ जो नाम ले रहे थे क्या था? स्टिंग बोतल है। स्टिंग कितने साल से हो कराची में? कौन? हाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए स्टिंग। वाह यार फाइनली हमारी स्टिंग बोतल आ गई है। बन कबाब थोड़ा सा हैवी है जिसकी वजह से लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पानी हो या कोल्डिंग हो, उसको उतारने के लिए जो है कोई चीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन हैवी है, नॉट बैड, आप खा सकते हैं। लेकिन ये मौत जैसा अकेले बंदा आधा बच गया, नहीं खाएगा, पेट फुल हो गया, हालांकि भूख बहुत थी क्योंकि मैं कहीं और का सोच के आया था। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आपने खाया इनका बर्गर पहले? पहली दफ़ा खा रहे? पहले कहाँ का बर्गर खाते थे? अच्छा ताज़े ताज़े शिफ्ट। कोकेन वाले का खाया कभी? कोकेन जो है सामने आइडियल वाले का नहीं खाया? सर अजीज़ाबाद 4 नंबर। अजीज़ाबाद 4 नंबर कोई मशहूर पॉइंट हो यहाँ पे? सामने इमाम बारगाह और इधर बाबा फिश। बाबा फिश ये मशहूर है भाई, बाबा फिश इसके सामने है, नॉट बैड, आ सकते हैं खा सकते हैं। हमारे टोटल कितने पैसे हुए आपके सर? 230 रुपये। 230 रुपये क्या 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 कैसे आया, किसने खाया? सर एक हंडियाला बर्गर जी, एक चिकन बर्गर खाया, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है जी, ज़बरदस्त, ये लीजिए पैसे, थैंक यू जी, ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह। भाई ये यहाँ पे बहुत मशहूर बर्गर है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था जी, गालिबन उसका नाम है कोकेन बर्गर या टोकन जी, बिल्कुल। तो कब खुलेगा इसका कोई आइडिया? वो सर माशाल्लाह तकरीबन इससे पहले का बंद है। अच्छा माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह वो भी मशहूर बर्गर है, उनका अपना टेस्ट है। अच्छा, हमारा अपना टेस्ट, जो बात है बिल्कुल टेस्ट की तो कोई बात नहीं, उनको भी दे रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा नहीं मुझे ये बताइएगा ये इनकी रोजाना की टाइमिंग क्या है? मैंने सुना है कि कम टाइम पे खोलते हैं। नहीं सर ये इनकी टाइमिंग 1 बजे से लेके और रात के 12 बजे। अच्छा जबरदस्त, पूरे टाइम मौजूद रहते जी, पूरे टाइम। लेकिन पूरा साल खुलते नहीं है ना ये, छुट्टियां बहुत करते हैं, छुट्टियां करते हैं। चलें जबरदस्त, उनका टेस्ट अच्छा है, जैसे ही खोलेंगे माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके नसीब से। लेकिन जो आपका ये वाला बंदा है ना जी, ये बहुत डाइल आइटम है यार। कितने साल हो गए तुम्हें कराची में? 10 साल हो गए। तो मेरे लिए कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाए थे? जिंदाबाद भाई, अल्लाह पाक सबको खुश रखे माशाल्लाह, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, जजाक अल्लाह।